वेल इस वीडियो में मैंने ज्वाइन किया है गवर्नमेंट एंड यहाँ पे मैंने ज्वाइन करने के बाद आपको बताऊंगा सारे सीक्रेट्स जो ये सीक्रेट सर्विस जो भी है USSS सीक्रेट सर्विस जो भी ये चलाते हैं इनमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे ये ऑपरेट होता है एंड क्यों ये सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है ग्रैंड आरपी में। ऐसा क्या है इनके पास कि ये भाई सारे डिसीजंस जो है वो पूरे सर्वर के जो भी इन गेम आईसी डिसीजंस है वो यहाँ पे ये ले सकती है। एनीवेज वीडियो को जो है वो जरूर एंड तक देखना, लेकिन उससे पहले अगर आपने ग्रैंड आरपी ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। मैं सर्वर 1 पे खेलता हूं तो आप भी सर्वर 1 पे रजिस्टर कर सकते हो, हमारी फैमिली ज्वाइन कर सकते हो हाउस नंबर 256 पे आके। बस एक लेजिट GTA 5 की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो फिर यार आप मोबाइल गेम भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे ग्रैंड आरपी का, गूगल प्ले स्टोर पे आपको जो है वो इजीली मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया है तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा आपका, तो वो भी आप जो है वो जरूर चेकआउट कर सकते हो। एनीवेज आते हैं भाई वीडियो पे। यहाँ पर तो मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था गवर्नमेंट, ठीक है, अभी भी मैं हूँ वहाँ पर, बट मैं ज़्यादा कुछ ड्यूटी व्यूटी पे जाता नहीं हूँ। बट उस दिन जो है वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे देखा। तो सबसे पहली चीज़ है भाई ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हॉल, यहाँ पे सबसे जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं पूरे मतलब सिटी के, या फिर जो सरकार है वो सारी डिसीजंस यहाँ पे लेती है दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को के लीडर्स को लेके। अब यहाँ पे सिर्फ डेप्यूटीज अलाउड होते हैं एंड लीडर्स अलाउड होते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के, एंड वो यहाँ पे मिल बांट के यहाँ पे जो है वो डिसीजंस लेते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कांड वांड कर दिया तो यहाँ पे उनकी जम के लताड़ी जाती है भाई, उनको क्लास ली जाती है यहाँ पे आके बुलवा के सबके सामने। एंड लाइक ये प्रिंसिपल जो डांटते हैं ना भाई सबके क्लास के सामने, सब टीचर्स के सामने, उसके टाइप का जो है वो यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है। तो इस कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है वो सारी चीजें होती है भाई, यहाँ पे बहुत नौटंकी होती है टू बी ट्रू, यहाँ पे जो है वो सुनने लायक है यार। कभी अगर यहाँ पे आने का मौका मिला ना तो जरूर सुनना भाई क्या क्या नौटंकियां यहाँ पे चलती है, ठीक है। दूसरी नौटंकी है भाई यहाँ पर गवर्नमेंट की, तो वो है यहाँ पे कोर्ट हाउस। अब यहाँ पे आपको मालूम नहीं होगा कि भाई ग्रैंड आरपी में कोर्ट हाउस है, यहाँ पे भाई लिटरली केसेस चलते हैं। यस भाई, रियल वाले केसेस नहीं, जो इन गेम आपके केसेस, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कॉप ने आपको जो है वो गलती से अरेस्ट कर लिया तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, किसी ने आपको गलत फाइन दे रहे तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, उसके पूरे डिपार्टमेंट पे केस कर सकते हो, तो वो केसेस यहाँ पे लड़े जाते हैं। वो रहा भाई पी वहाँ पे एक थका हुआ जज, एंड यहाँ पे ये लॉयर्स होते हैं जो सूट किट के साथ होते हैं या फिर जिन्होंने हैट वैट पहनी होती है, ऐसे कोर्ट वाले टाइप जो है ना उस टाइप के अगर आप कपड़े पहने हुए तो वो लॉयर्स होते हैं, तो वो यहाँ पे आके जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ मतलब आपके बिहाफ पे वो यहाँ पे केस लड़ेंगे। अब दो टाइप के लॉयर्स होते हैं, एक है गवर्नमेंट वाला लॉयर और जो कि फ्री होता है, लाइक वो कोई पैसा चार्ज नहीं करता है, बट वो लाइक गारंटी नहीं है कि भाई वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा, एंड गारंटीड नहीं है कि वो आपको केस जिताएगा, पता नहीं वो गवर्नमेंट के ही साइड होगा, वो गवर्नमेंट पे अगर आपने केस कर दिया तो मे भी पता नहीं भाई, बायस होता है। तो अपना प्राइवेट लॉयर भी होता है, प्राइवेट लॉयर्स भी आप हायर कर सकते हो, एंड उसके लिए भाई प्राइवेट लॉयर आपको पहले स्कूल जाना पड़ेगा लॉयर के। यस, ग्रैंड आरपी में लॉयर का भी स्कूल है, उसको अटेंड करना पड़ता है, वो लॉ सारे जितने भी लॉज है ग्रैंड आरपी के वो सारे आपको पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद टेस्ट देना पड़ता है, ट्रायल्स देने पड़ते हैं, एंड देन उसके बाद आप एक लॉयर बनते हो। आई गेस स्टार्टिंग में फोर शैडो करना पड़ता है किसी लॉयर को, एक बड़े लॉयर को या फिर जिसके पास एक्सपीरियंस है, एंड देन आप जो है वो धीरे धीरे इस टाइप की चीज़ें सीखते हो। तो भाई ये सारी चीज़ें भाई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने आज तक जो है वो इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है। सो मैं यहाँ पे बस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होती है। इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस एंड गन लाइसेंस, फैमिली लाइसेंस, ये सारी चीज़ें भाई गवर्नमेंट हैंडल करती है। जो भाई मेन ये होता है ना जो दरवाज़ा, जब आप आते हो कैपिटल पे तो वहाँ पे दो चौकीदार टाइप जो दो एजेंट्स खड़े होते हैं, तो वो एजेंट्स जो है वो आपको मोस्टली बेचते हैं, वो भाई सबसे लो लेवल के, मतलब सबसे उनका लो लेवल तो नहीं बट सबसे कम रैंक के जो बंदे होते हैं ना वो वही होते हैं शायद से, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो मोस्टली जो हायर अप्स होते हैं वो भाई मजे करते हैं वहाँ यहाँ वहाँ जाके। गाड़ियों की बात करें तो गवर्नमेंट पे सबसे अच्छी गाड़ी भाई ये BMW है, मतलब दिखने में फोर डोर ये BMW भाई। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने ये करने वाला हूँ, लाइक क्रेट ओपनिंग करने वाला हूँ इसकी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड ये मुझे मिलेगी नहीं, 400 या 300, 400, 500 इनमें से कोई भी, मतलब इतने सारे ग्रैंड कॉइंस मैं इसके ऊपर उड़ाने वाला हूँ, एंड यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा इसको जो है वो लाइक जीतने का, बिकॉज ये सबसे ज्यादा बेस्ट लुकिंग कार है इन द ऊबर मैच सीरीज, क्योंकि ये फोर डोर भी आती है एंड सेडान भाई क्या ही लगती है ये। एनीवेज भाई आपको ये गाड़ी कैसे लगती है आप डिस्क्रिप्शन में बताना, डिस्क्रिप्शन नहीं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एनीवेज नेक्स्ट पार्ट आता है भाई इस गवर्नमेंट का, वो है जेल। भाई जेल भी जो है वो पूरा गवर्नमेंट के अंडर ऑपरेट होता है, बट यहाँ पे जेल का एक अलग ही प्रेसिडेंट होता है, उसको वार्डन बोलते हैं, एंड यहाँ पे जो है वो सारी चीजें वार्डन की चलती है एंड गवर्नर की चलती है या फिर डेप्यूटी गवर्नर जो भी है। तो ये तीन लोग बस
यहाँ पे जो है वो पूरा जो उनके मन में आएगा वो करेंगे। एंड यहाँ पे ये आइसोलेशन सेल्स है, यहाँ पे अगर कोई ज्यादा ही मस्ती कर रहा है तो आप इसको यहाँ पे आके डालवा सकते हो। बट ये आरपी करने के लिए बहुत अच्छा है, अगर किसी को टॉर्चर वॉर्चर कर रहा है, अगर आप करंट करप्ट एजेंट हो तो यहाँ पे आके जो है वो बहुत अच्छे से आप जो है वो आरपी वारपी कर सकते हो। बट यार आज तक ये किसी ने किया नहीं है, बहुत पहले होता था, लाइक जो करप्ट कॉप्स थे ना वो एक बंदे को पकड़ के लाते थे फिर उसका रिकॉर्डिंग करते थे भाई पूरा, मतलब वो पूरा आरपी होता था भाई, बहुत मजा आता था वो सारी चीजें जो है वो देखने में। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। इतने टाइम पे भाई बालास ने ना क्या कर दिया, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था हॉस्टेज सिचुएशन कर लिया, अब हमारे डिपार्टमेंट का एक बंदा इन्होंने हॉस्टेज ले लिया, एंड लिया भी तो कहां लिया भाई, उनके हेडक्वार्टर्स पे, गैंग के हेडक्वार्टर्स पे। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो फिर यार जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भी एजेंट है वो सीधा वहां पे जा सकते हैं, बिकॉज आईसी सिचुएशन है, यानी कि इन कैरेक्टर सिचुएशन है, इन गेम सिचुएशन है, तो वहां पे ये एक वैलिड रीजन बन जाता है उनके एचक्यू में जाने में। अगर वैलिड रीजन नहीं है तो आप गैंग हेडक्वार्टर्स में नहीं जा सकते। बट ये चीज बहुत ही ज्यादा बद्दी लगती है मुझे, गैंग हेडक्वार्टर्स पे हॉस्टेज लेना ये रूल से हटा देना चाहिए भाई, गैंग हेडक्वार्टर्स पे आप हॉस्टेज नहीं ले सकते, बिकॉज यार सारी जगहों से यार गेटो होता है, एंड इनके पास भाई सारी चीज़ों से भाई मतलब सारी जगहों से ये हमको लाइक लियोस को मार सकते हैं, तो ये थोड़ी सी जो है वो बहुत ओवर पावर्ड चीज़ लगती है मुझे। एनीवेज आपका क्या है इस आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट चीज़ की यहाँ पे बात कर रही थी, तो यार नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पे मजदूरी, जेल में भी आप भाई पत्थर तोड़ सकते हो यहाँ पे आके, भाई जेल में भी नौकरी होती है। अगर आप किसी जो है वो एजेंट को बोल दो कि भाई मुझे जाके काम करना है बैकयार्ड में, तो वो आपको बैकयार्ड में आके छोड़ देगा। एंड यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन करना पड़ता है, यहाँ पे वो आपकी नौकरी होगी, एंड यहां से आप ये रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन कर सकते हो। अब एग्जैक्टली ये क्या होता है ये तो भाई मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज मुझे प्रिजनर बनना पड़ेगा, यहाँ पे इनको बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे पीछे छोड़ दो, एंड देन यहाँ पे आके हम जो है वो काम करेंगे। यहाँ पे यार पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी, यहाँ पे बॉक्सिंग फाइट्स होती थी जो प्रिजनर्स थे उनके बीच में, एंड बहुत ज़्यादा पहले मज़ा आता था, बट वो सारी चीज़ें अब बंद हो गई है। आई डोंट नो व्हाई, वापस से वो सारी चीज़ें शुरू करनी चाहिए प्रिजनर्स को। यहाँ पे जो प्रिजनर्स है जिनकी जो है वो ज़्यादा मतलब पाँच छः घंटे नहीं 3-4 घंटे जो जेल में पड़ी रहने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे छोड़ा जाता था उनको यहाँ पे बैकयार्ड में, बट मोस्टली लोग जो है वो यहाँ से भाग जाते थे, इसलिए शायद से वो सारी चीजें यहां पे बंद कर दी है। ये थी भाई वीडियो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे कि अगर कोई एडमिन आईसी सिचुएशन में जो है वो एक डिसीजन देता है तो उस डिसीजन को ओवररूल कर सकती है गवर्नमेंट, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड हर हफ्ते 5-5 मिलियन वो जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को देती है, क्यों देती है, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन चला पाए। तो FIB हो गया या फिर जो है वो LSPD हो गया, इनको जो है वो 5-5 मिलियन चले जाते हैं भाई गवर्नमेंट की तरफ से SHP इवन, क्योंकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके, बोनस कर सके, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अंदर आती है। कोई कांड वांड हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कांड कर दिया, तो वो भी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर जो है वो उनको पनिश कर सकते हैं, एंड वो सारी चीजें भी यहाँ पे मायने रखती है कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा ही ना मतलब अपना को ताऊ समझने लग जाए। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और भी भाई बहुत सारी चीजें हैं गवर्नमेंट में जो सीक्रेट है वो मैंने अभी बताया नहीं, वो किसी और वीडियो में बताएंगे हम, यानी कि भाई आप जेल से अगर आप भाग जाते हो तो यहाँ पे आके आप जो है वो लाइक कपड़े वपड़े भी चेंज करके यहाँ से जो है वो निकल सकते हो, तो ऐसी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, बट वो बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ें हैं तो लोग करते नहीं है। स्नाइपर टावर्स में एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे जेल में, ठीक है, यहाँ पे गवर्नर को मारने के बाद क्या होगा, बॉम्ब से आप उसको उड़ा सकते हो, असैसिनेट कर सकते हो, तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको ऐसी वीडियोज जो है वो मिलते रहे इन द फ्यूचर। मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में।